प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके हस्बैंड कई समय से डिप्रेशन में चल रहे थे, जिस कारण वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया। अब उन्होंने बताया कि उनके पति डिप्रेशन से मुक्त हो गए हैं। हाँ मेरे प्रियो, अब वो बिल्कुल भले चंगे और स्वस्थ हैं। अब किसी प्रकार का डिप्रेशन अब उन्हें नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम के प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको हर एक डिप्रेशन से, हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और 27 से 31 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाब के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। दोस्तों आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे याकूब, हे इज़राइल, तू क्यों कहता है कि परमेश्वर को मेरे न्याय की चिंता नहीं है? क्या तुझे नहीं पता, क्या तूने नहीं सुना कि हमारा परमेश्वर जो सब कुछ का सृजनहार है, वो यहोवा यूं कहता है कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को अपनी सामर्थ्य से भर देता है। हमने प्रिय परमेश्वर का वचन आज सुबह में कहता है कि परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है और थके हुए को अपने बल से भर देता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अपने जीवन में थक गए हों, आप निराश हो गए हों, बीते समय में आपके जीवनों में हो सकता है कुछ बुरी बातें हुई हों जिस कारण आप थक गए हों, या फिर आप अपने जीवन यापन करने में थक गए हों, आप परिश्रम करते करते थक गए हों। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर आपको अपनी बल शक्ति सामर्थ्य से भर देगा। आमेन, हालेलुया। और यदि आप अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको अपनी सामर्थ्य से भर देगा, क्योंकि उसका वचन झूठा नहीं है। उसके वचन में लिखा है कि वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। यदि आप अपने आप को इस वचन के अकॉर्डिंग समझते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी बल शक्ति बुद्धि से और अपनी सामर्थ्य से भरेगा। यहां पर लिखा है तरुण तो थकते हैं, वे श्रमित होते हैं और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हमारे प्रियो, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे उकाब के समान उड़ेंगे। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो आसमान की ऊंचाइयों में बादलों को चीरते हुए सबसे ऊपर उड़ता है। हाँ मेरे प्रियो, वो उस उकाब के समान है जो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ता है, सबसे ऊंचा उड़ता है, हवाओं को चीरता हुआ, बादलों को चीरता हुआ, जो सबसे ऊपर उड़ता है, वो उस उकाब के समान है जो प्रभु यीशु मसीह पर, जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो इस 2021 में परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके जीवन को परमेश्वर अपनी बल शक्ति बुद्धि से भर देगा, अपनी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देगा। और आप यदि परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, यदि आप उसकी बाट जोते हैं, तो परमेश्वर आपको उकाब के समान ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। जिस प्रकार से हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के जीवन में बहुत सारे दुख, परेशानियां, संकट आए, परंतु वो उस समय में भी परमेश्वर पे भरोसा रखा। और फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने उसे ऊंचाइयों पर लेकर के गया और उसे उसने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है कि जो उस पर भरोसा रखता है वो उसे उकाब के समान आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। और यदि आप भी परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं, उसके समय का इंतजार कर रहे हैं, उसकी बाट जो रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी आपको उकाब के समान आकाश की ऊंचाइयों पर लेकर के चलेंगे। आपको परमेश्वर उच्च पदों पर नियुक्त करेंगे, आपको परमेश्वर समाज में ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे, आपको आदर का बर्तन बनाएंगे, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको उकाब के समान ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा और आपको बल शक्ति से भरेगा, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरेगा।
फिर आप शर्मित न होंगे, फिर आप थकित न होंगे, फिर आप चलेंगे और दौड़ेंगे। हालेलुया। सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर पर निर्भर रहें, उस पर भरोसा रखें, उसकी बाट जोते रहें, प्रभु आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे, प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर प्रभु यीशु हमारे सामर्थ्य पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे रचने वाले, हमारे सृष्टिकर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें बल देने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको उकाब की नाई उड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। ओ प्रभु सच में प्रभु तेरा नाम मीठा और मनोहर और सुंदर है पिता, तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है प्रभु। लॉर्ड हम आपको प्रेज करते हैं आज की सुबह में पिता, इस समय के लिए धन्यवाद, आज की सुबह के लिए धन्यवाद, इस भोर के प्रकाश के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। और ये प्रभु ये समय जो आपने हमें दिया है कि जब हम आपकी हुजूरी में है, हम आपकी उपस्थिति में है और आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, इस समय को हमें दिखाने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद एक नया दिन हम सबके जीवनों में जोड़ने के लिए धन्यवाद प्रभु। रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद देकर मेरे आज का दिन हमारे जीवनों में आपने दिया है कि हम अब इस जीवितों की पृथ्वी पर तेरी भलाइयों को देख सके। हाँ मेरे परमेश्वर, आज के दिन में आप हर एक जन को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरिए प्रभु, और जितने भी लोग तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके संग में मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति बनी रहे, आपकी पाक उपस्थिति उनके संग में, उनके परिवार के संग में होने पाए। लॉर्ड आज के दिन में प्रभु आप इन्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरे प्रभु जी, अपनी बल से भरे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर होली स्पिरिट, आज के दिन में जो कुछ भी काम प्रभु तेरे बेटे बेटियां करते हैं उसको करने में पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें, सही रास्ते में चलने में आप इनकी सहायता करें, सही डिसीजंस को लेने में आप इनकी सहायता करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन कि आप थके हुओं को बल देने वाले परमेश्वर है खुदावन। हाँ प्रभु आज की सुबह में प्रभु जो कोई भी प्रभु अपने जीवन में थके हुए हैं प्रभु, बलहीन है पिता परमेश्वर, शक्तिहीन है पिता यीशु मसीह, आप उन्हें बल प्रदान करें, आप उन्हें शक्ति प्रदान करें, आप उन जो थके हुए हैं पिता अपने जीवन में, अपने मेहनत करके अपने जीवन में प्रभु जिस भी परिस्थिति में वो थक चुके हैं पिता यीशु मसीह, आप उन्हें नया बल दे मेरे परमेश्वर, आप उन्हें स्ट्रांग करें प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदावन प्रभु इस समय परमेश्वर प्रभु, जो लोग प्रभु यीशु मसीह प्रभु जिन्हें समाज में प्रभु जी बहुत ज़्यादा नाम धराई हुई है पिता परमेश्वर, जिन्हें समाज में प्रभु लज्जित होना पड़ा प्रभु, उन्हें आप उकाब के समान प्रभु समाज में ऊंचे पद पर आप उन्हें नियुक्त करें, आप उनके नाम को ऊंचा करें, आप उन्हें सम्मान दें प्रभु, आप उन्हें आदर दें प्रभु जी। जो मनुष्य प्रभु जो प्रभु जिन लोगों के नज़रों में प्रभु इन्हें तुच्छ लोग देखते हैं प्रभु, उन्हीं लोगों के सामने प्रभु जी आप इन्हें ऊंचा करें मेरे परमेश्वर, आप इन्हें सिरोमणि बनाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, क्योंकि प्रभु जो तुझ पर विश्वास करता है, जो तेरी बाट जोता है, वो उकाब के समान उड़ता है प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, जब इन भाई बहनों ने प्रभु आपके नाम पर विश्वास करने के द्वारा अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को, विरोध को, बहुत सारी बेइज्जती को अपने जीवन में देखा है प्रभु, तो होने दे प्रभु कि इनका जीवन भी उकाब के समान होने पाए, ये कभी भी शर्मित ना हो, कभी भी थकित ना हो पिता। आप इन्हें बल से बल प्रतिदिन अपने बल को देते रहें, इन्हें सामर्थ्य से भरते रहें प्रभु, ताकि प्रभु से पाकर प्रभु ये तुझ में और अधिकाई से बढ़ सकें, और प्रभु जो लोग इन्हें तुच्छ जानते हैं उनके सामने इनके मस्तक को आप ऊंचा करें परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम हमको आपने आदर का बर्तन बनाया। हाँ प्रभु इस भाई को, हाँ प्रभु इस बहन को, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे उन सबको तूने आदर का बर्तन बनाया है प्रभु, अपने इस्तेमाल करने के लिए प्रभु, उन्हें शोभायमान करने के लिए आपने प्रभु उन्हें चुना है प्रभु, बुलाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो अपने जीवन में मेहनत करके थक चुके हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, संकट विपत्ति मुश्किलों से होकर उनका जीवन प्रभु वो थक चुके हैं प्रभु जी, परंतु पिता इस समय आप उनकी सुधि लें, इस समय आप उन्हें दृढ़ करें, इस समय आप उन्हें अपने बल से भरें, और प्रभु होने दे प्रभु उन्हें गिरने ना दें, परंतु आप उन्हें संभाले और सीधा खड़ा करके आप उन्हें उकाब के समान इन्हें उड़ाएं परमेश्वर। धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में परमेश्वर, अपने बेटे बेटे की अपने बेटे और बेटियों के कामों को आज के दिन में आप सफल करें, इनके जीवन में नए अपॉर्चुनिटीज को आप दें, नए दरवाजों को आप खोलें प्रभु, हर एक बात इनके जीवन में नई होने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु आपको अपने जीवन से महिमा दे सके लॉर्ड, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ये स्वस्थ और भले चंगे होकर प्रभु तेरे नाम की महिमा करे पिता, जो बीमार है पिता दर्द में है प्रभु यीशु के नाम से हम कहते हैं, जो बीमार है हमारे साथ वो मिलकर प्रार्थना करें कि कहे कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हाँ प्रभु इस वचन के अनुसार मैं कहती हूँ जो बीमार है प्रभु आप उन्हें छू ले इसी समय और वो बीमारी उनके शरीर से चली जाए यीशु के नाम से, दर्द निकल जाए यीशु के नाम से, आप अपने सरों पर हाथ रखें, अपनी बीमारी की जगहों पर हाथ रखें प्रभु, यीशु मसीह आपको छू कर चंगा करेंगे, हालेलुया, वो चंगाई आ जाए यीशु के नाम से इनके जीवनों में, राइट नाउ हीलिंग, आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, इन प्रभु आप इन्हें छू कर चंगा करें, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने चंगा किया प्रभु अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को आपने चंगा किया यीशु, धन्यवाद पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस नए साल में परमेश्वर प्रभु, प्रभु जितने भी लोगों का आज के दिन में जन्मदिन है प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन्हें दीर्घायु दें और उनके मनोरथों को, उनके सपनों को, उनके ड्रीम्स को आप पूरा करें खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है प्रभु, अपने प्रेम को तेरे राज्य के प्रति दर्शाया है प्रभु, होने दे उनके ऊपर आपके अपरंपार आशीषों के स्रोत खुल जाए, वो भंडार खुल जाए, होने दे प्रभु आप उनकी कमाई पर बरकत और आशीष दे मेरे प्रभु जी, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी आपके बेटे और बेटियों को ना होने पाए प्रभु, जो कुछ भी उन्होंने अपनी घटी कमियों में से प्रभु आपके राज्य की उन्नति के लिए दिया है प्रभु, आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न उनके जीवन में करे परमेश्वर, उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, थैंक यू फादर, धन्यवाद, आज के पूरे दिन को मेरे प्रभु आपके हाथों में देते हैं, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से अपने बेटे बेटियों को प्रोटेक्ट करें, दुष्ट की योजनाओं से आप उन्हें प्रोटेक्ट करें, आपके सुरक्षा दायरे में रखते हुए आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु, और कहते हैं पिता धन्यवाद कि आप हम सब की सुरक्षा करते हैं पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन आमीन और आमीन। सो हम आप सब भाई बहनों का आज की सुबह में धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें, आप हमें हमारे फेसबुक पेज में, हमें व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में और हमारे अदर चैनल प्रेयर फॉर ऑल में फॉलो कर सकते हैं, हम आपके लिए वहां पर प्रार्थना करेंगे, आप अपने निवेदनों को हमें कमेंट्स के द्वारा दीजिए, हम आपके लिए हमारी पूरी टीम मिलकर प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आज की सुबह में आपको और आपके परिवार को नामो नाम आशीष दे, जय मसीह।